हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी शुक्र है खुदा का कि आपकी दुआओं से ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, और कल भी मैं इसी परेशानी की वजह से वीडियो नहीं बना सकी। तो आप सोचते होंगे कि अब क्या परेशानी होगी, कभी तो ये बीमार हो जाती है और कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो जब आपके साथ हर बात शेयर करते हैं तो फिर अपनी परेशानी और अपनी खुशी भी तो आपके साथ शेयर करनी चाहिए ना, आपको बतानी चाहिए। तो परेशान मैं इस वजह से हूँ कि हमारी हो चुकी है मोटर ख़राब। मतलब महीना ही हो गया है ख़राब है, कभी ठीक होती है कभी सही, फिर ऐसे ही है, कभी ख़राब कभी ठीक, ऐसे बस चल रहा था। और अब तो मतलब हफ्ता ही हो गया संडे से हमारी मोटर ख़राब है, और बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे घर में। और कल भी मोटर वाला आया, परसों भी आया, दो दिन वो आता रहा, लेकिन हमारी मोटर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। वो अब कह रहा है कि बोरिंग का मसला है। तो मैं तो इतनी परेशान हूँ कि कल भी फिर मैं टेंशन की वजह से काम मेरा सारा पड़ा हुआ था, तो फिर मैं पानी किसी पड़ोसियों के घर से पानी ला के मैंने सारा काम किया, और इस वजह से मैं अपनी वीडियो भी नहीं बना सकी। और अभी भी मैंने खाना रखा है, सालन रखा है, खाना कह रही हूँ, सालन रखा है। रेनू गई है ट्यूशन, उसके पापा की दिन की ड्यूटी आ गई है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे सारा कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, पानी का भी इंतज़ाम और घर को भी देखना पड़ता है। तो वो तो पहले ही मतलब सुबह जाते हैं 7:30 बजे और रात को आते हैं 8 बजे, उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है और वो घर आते आते 9 बज जाते हैं। तो फिर उनके पास बाकी टाइम नहीं होता, और जब तो मैं इस वजह से भी काफ़ी, मैं इसीलिए सारे काम खुद करने पड़ते हैं मुझे, और मैं मसरूफ़ रहती हूँ, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की हालत, कि हमारे घर की क्या हालत हुई है। तो ये देखें बर्तन मेरे, कल मैंने 2 दिन के बर्तन हमारे जमा थे, कि पानी आपको पता है कि किसी के घर से लेने जाओ तो जल्दी को पानी देता नहीं है, फिर उनके नखरे ही बहुत होते हैं पानी लेने जाओ तो। तो हमारी मालक मकान तो वो तो अपनी अम्मी के घर पे चली जाती, क्योंकि उनका पास ही है घर। तो फिर मैं कल उनको मैंने बोला कि भाई हम क्या करें, हमारा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं किसके घर पर जाऊँ। तो ये देखें ये मेरे बर्तन, फिर मैंने कल पानी ला के वो बर्तन सारे धोए, और अभी भी मैंने ये पानी जो मेरा कल का भरा हुआ था बर्तनों के लिए, ये मैंने भर के रखा हुआ था, ढक दिया था इसको, अभी इससे ये मैं बर्तन जो मेरे हैं मैं धोऊंगी। और अभी ये देखें मैंने अभी सालन रखा है, और ये मैंने कूलर में भी पानी भर के रखा हुआ है, ये इस्तेमाल के लिए, और पीने का तो हम लोग फ़िल्टर से लेके आते हैं वो ये है। और अभी ये मैं कूलर में डालूँगी और इसमें पानी भरूँगी। और घर भी बस इतना साफ नहीं है, बस ऐसे ही बस मैंने बखेरा समेटा हुआ है। जब आपको पता है पानी नहीं हो तो सारे काम पानी से होने होते हैं, तो कोई काम नहीं होता। और ये देखें हमारा सेन कितना गंदा है, क्योंकि जब मैं आपको सफाई दिखाती हूँ कि हमारा घर साफ़ है तो ये भी तो दिखाना चाहिए ना। और ये देखें हमारा घर बहुत गंदा हुआ हुआ है, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और इतना मुझे गुस्सा आ रहा है कि गंदगी की वजह से। और ये देखें एक वो मोटर वाला, ये देखें ये सारी खोल के रख गया है, इसका पाइप वाइप उतार के, और ये एक हैंड पम्प लगा के इधर छोड़ गया, और वो भी कहीं भी नहीं लगाया। ये देखें उसका पाइप ये सारा इधर लगा हुआ है, और वो बच्चे हैं वो शरारत से इसको हिलाते हैं, और पानी तो आता नहीं है, तो वो जो थोड़ा बहुत इसमें डालते हैं मग्गे से फिर करते हैं। तो मैं तो इस वजह से बहुत परेशान हूँ कि हमारी मोटर सही हो जाए जल्दी से, क्योंकि हम लोग बहुत तंग आ गए हैं, और कपड़े मेरे धोने वाले पड़े हुए हैं, और इतने ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो फिर मेरे लिए तो टेंशन बन जाएगी। तो मैं अभी पानी भरती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखे मेरी, हमारी मोटर ख़राब है, तो मेरी मम्मा किसी के घर से पानी लेके आ रही है। अरे बहुत परेशानी है। देखे मैंने कूलर अभी भरा है पानी का, तो अभी मैं ये पानी बर्तनों के लिए भेज कर भर रही हूँ, फिर से बर्तन बर्तन मैं धोलूँगी। अभी दोबारा से मैं भरने जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझसे इतना, मेरा सांस मुझे इतना चढ़ा हुआ है कि अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि बहुत ज़्यादा। और अभी मैं गई थी बुध बाज़ार, वहाँ से सब्ज़ी वब्ज़ी ले के आई हूँ कल के लिए, आज की तो मैंने परसों ली हुई थी तो बना ली है। तो अभी मैं फिर से पानी भरने जा रही हूँ, तो आप कल के लिए मैं लेके आई हूँ ये शलजम, ये देखें
तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। और प्लीज़ जो सब्सक्राइब करते हैं वापस उसको ना किया करें, अनसब्सक्राइब। तो मैं अब काफ़ी मेहनत कर रही हूँ कि अच्छी मैं आपके साथ वीडियो बनाऊँ, आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि मैं भी कामयाब हो सकूं और मैं अपनी हर परेशानी प्रॉब्लम अपनी आपके साथ शेयर करती हूं। और ये देखें अभी तक वो ये नलका अपना लेके नहीं गया, जो हैंड पंप है गांव में तो इसको नलका ही बोलते हैं। तो अभी ये देखें मैंने बोतल रखी, मैं फिर से पानी लेने जा रही हूं। तो ओके बाय, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।